सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने चैनल में रोज नई नई किचन टिप्स और यूनिक सी रेसिपीज लाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं बना रही हूँ आम का अचार अपने स्टाइल में। मतलब ये हमारे घर में पहले दादी फिर मम्मी बनाती थी, और उसी तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। और इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो ये अचार जो है सालों साल तक खराब भी नहीं होगा। अचार बनाने के लिए मैंने 2.5 kg लिया है रामकेला आम। इस आम की पहचान ये होती है, इसमें ना छोटी छोटी डॉट्स ही होती हैं, बिंदी बिंदी जैसी। वैसे इस आम को ना अचार वाला आम भी कहते हैं। इसी आम से ना अचार जो है ज़्यादा अच्छा बनता है। आप किसी और आम से अचार बनाओगे तो वो टेस्ट आएगा ही नहीं, और साथ में वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ये आम जो है मैं मार्केट से कटवा कर ही ले आई हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में आम काटने वाला नहीं है। आम जो काटा है साथ में गिटक भी है थोड़ी थोड़ी। ये देखें, जो सीड्स होती है ना, इसको निकालना है, और ये जो आम के अंदर पॉलीथीन सी होती है ना, ये लगी होती है, ये ज़रूर निकाल देना। ये बहुत ख़राब लगती है खाने में, मुँह में चिपकती सी है, इसको निकालना है। और साथ में कोई कोई आम जो है देखे अच्छी तरह से कटे नहीं है, इनको भी अलग अलग कर लेंगे। थोड़ी सी मतलब छाटा भी नहीं करनी है, और उसके बाद इसको वॉश भी करना है, क्योंकि मैंने इसको वॉश करके नहीं कटवाया है। तो इसको अभी हमने वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए मैंने पानी ले लिया है टब में। इसको खुले पानी से वॉश करना है, काफ़ी गंद होता है इसमें, और आजकल का टाइम ऐसा है, तो हमें अच्छी तरह से इसको 3-4 पानी से धोना होगा। देखिए पानी कितना गंदा सा हो गया ना। तो अच्छी तरह से आम को मैंने धो लिया है। अब इसको मैंने परात में डाल लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 tablespoon नमक मैंने लिया है, और साथ में हल्दी ली है, ये भी 1 tablespoon से हल्की सी बस कम है। तो सारे आम के ऊपर अच्छी तरह से इसको फैलाकर डालकर ना अच्छी तरह से मिला देंगे। इसको डालकर अब परात के नीचे मैं कुछ रख रही हूँ, जिससे कि वो थोड़ी सी ऊंची सी हो जाए, आगे की साइड से ना थोड़ी ढलान सी हो जाए, क्योंकि अभी ये जो आम है ना ये पानी छोड़ेंगे, जो खट्टा सा इसमें पानी होता है ना वो निकलेगा, जिसको कि हमने अलग निकालना है। तो इसको अब ऐसे ही छोड़ देंगे 2 से 3 घंटों के लिए। 3 घंटे हो गए, देखिए आम ने पानी छोड़ दिया है ना। तो ये पानी जो है खट्टा पानी होता है, इसको निकालना ज़रूरी है। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम इसको निकाल देते हैं ना, तो हमारा आम का अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अब आम को हमने सुखाना है, तो धूप में सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धूप में मैं इसको देखें इस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से इसको डालेंगे कि इसको वाइट वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर आए, और जो इसके छिलके वाला ग्रीन वाला पार्ट है वो नीचे रहे। इस तरह से सुखाएंगे तो 2 से 3 घंटे लगेंगे धूप में, अगर धूप अच्छी है। धूप अच्छी नहीं है तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। बस उससे 1-2 घंटा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो कैसे भी जाए आप इसे सुखा सकते हो। अब ये देखिए 3 से 4 घंटे की धूप में आम जो है अच्छी तरह से सूख गए हैं। ऐसे ही आपने सुखाने हैं कि इसमें ज़रा भी मॉइस्चर ना रहे। अब मसाले देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी। तो ये देखिए मैंने लिए है सौंफ 50 ग्राम। तो सौंफ को मैंने बस हल्का सा पीसा है, मतलब कि ऐसा किया है, पल्स मोड पे 1-2 बार घुमा लिया कि ये 10-15% तक सौंफ के दाने जो पीस गए हैं, बाकी साबुत है। तो ऐसे ही आपने करना है। ये है मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों दाना, इसको मैंने पूरा पीस कर लिया है, ये भी 50 ग्राम है। और ये ली है कलौंजी, ये भी 50 ग्राम ली है। और साथ में ये मैंने ली है मेथी दाना, ये भी 50 ग्राम है। तो ये मैं बहुत ही रेशियो जो है मसालों को बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, जो कि आप आराम से बना पाओगे घर पर। और हल्दी ली है ये 50 ग्राम से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसको हमने पहले भी अचार में डाला है ना, तो ये टोटल में 50 ग्राम लेनी है। और रेड चिली ली है, ये मैंने देगी और तीखी वाली दोनों मिलाकर ली है 50 से 60 ग्राम के करीब। तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। नमक लिया है मैंने 200 ग्राम। तो ये टोटल नमक 200 ग्राम है जो हमने पहले आम के ऊपर डाला ना, वो भी मिलाकर 200 ग्राम नमक लिया है। अब हम सरसों के तेल को गर्म कर लेंगे, धुआं उठने तक गर्म करना है। तो ये मैंने 1 लीटर लिया है सरसों का तेल, ये पूरा नहीं लगेगा। तो 300 से 400 ग्राम के करीब हम इसको अभी गर्म कर लेंगे धुआं उठने तक। अब तेल गर्म हो गया तो गैस को अभी बंद कर देंगे। अब ये देखें सरसों का जो तेल है ना,
ठंडा हो गया यानी गुनगुना सा बच गया ना, तो इस समय आपने इसमें मिलानी है हींग। तो अच्छी क्वालिटी की हींग इसमें डालनी है, एक चम्मच मैंने ली है, इसको डाल देंगे। और साथ में अब जो रेड चिली पाउडर लिया था ना वो भी इसमें तेल में डाल देंगे। इसको डालने से क्या होगा, अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो तेल भी हमारा जो है ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना ही है, अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब इसको हमने अचार में मिलाना है। अब सारी तैयारी हो गई है तो अचार बनाना शुरू करते हैं। तो आपने लेना एक बड़ा सा बर्तन, कोई कढ़ाई या पतीला या परात ले लेना, इसमें सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले देखिए सौंफ डाल दिया है, मेथी दाना डाल देंगे, कलौंजी डाल देंगे, सरसों दाने का जो पाउडर बनाया है ना मस्टर्ड सीड का वो डाल देंगे, हल्दी और नमक भी मिला देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ना थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अब सारी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी मिक्स हो गई हैं चीज़ें, तो अब इसमें मिलाएंगे हम ऑयल, जो सरसों का तेल जिसमें रेड चिली वगैरह डाली हुई ना वो थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। मसाला जो है सूखा सूखा सा नहीं होना चाहिए, जो हमने ये रेड चिली डालकर ऑयल तैयार किया ना ये हम थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे, देख लेंगे कितना डालना है। तो ये देखिए सारा मैंने डाल दिया है, तो इस तरह का ही हमने तैयार करना है। ये बिल्कुल मसाला तैयार हो चुका है, अगर और ऑयल की ज़रूरत होगी तो उसे मैं फिर से गर्म करके ठंडा करके ही लूँगी। मसाले का कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। तो अब इसमें हमने आम मिलाना है, यानी आम की फाके मिलानी है, तो थोड़ी सी मैं अभी डाल रही हूँ। एक साथ तो इस कढ़ाई में पूरी आएंगी नहीं, थोड़ी डाल लेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला जो है ना इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। चाहे तो हाथ से कर लें या इस तरह स्पैचुला से कर लें। ये देखिए थोड़ा जो अचार तैयार हो गया ना, इसे किसी और बर्तन में रखने की बजाय ना सीधे गिलास के जार में मैं डालती जा रही हूँ जिसमें मैंने अचार रखना है। आप कोई भी गिलास का जार ले सकते हो, या चीनी मिट्टी का मर्तवाम होता है ना वो है तो वो ले सकते हो। तो ये मैंने जो जार लिया ना इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा कर लिया, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो इसमें अचार डालने से पहले ना थोड़ा सा सरसों का तेल डालना होता है, तो मैंने थोड़े से सरसों के तेल को फिर से गर्म किया और ठंडा करके ले लिया है। तो अभी उसमें से मैं बस एक टेबल स्पून ही डाल रही हूँ और इसमें जो अचार तैयार हुआ है वो डालते जाएंगे। अब ये देखिए काफ़ी मसाला बचा हुआ है, तो बाकी के जो आम के पीसेज है ना वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अब मैं हाथ से या स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से करना है कि सारा जो मसाला है ना वो आम के पीसेज पर अच्छी तरह से लग जाए। देखिए इस तरह से आप कर लेना। अचार को मैंने जार में डाला है लेकिन थोड़ी स्पेस खाली रखी है, तो ऐसे ही आपने रखनी है जिससे कि जब हम इसे हिलाएंगे तो आसानी रहेगी। अब ये मैंने छोटा सा मर्तवाम ले लिया, मेरे पास ये छोटा सा है, इसमें भी डाल देते हैं। तो डेली में रोज में खाने के लिए ना आप एक छोटा सा ग्लास का जार या मर्तवाम सा ले लेना, उसमें अलग निकाल कर रख लेना। तो अब इन दोनों में अभी मैंने डाला है, तो इनके ऊपर हल्का सा बस ऑयल डाल रही हूँ, सरसों का तेल जो पहले से मैंने पका कर रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सरसों का तेल अभी नहीं डालना है, आधा लीटर के करीब अभी सरसों का तेल यूज़ हुआ है। अब इसको हमने धूप कैसे दिखानी ये भी बता देती हूँ। तो इसके ऊपर आपने कोई कॉटन का कपड़ा इस तरह से रखना है, और ऊपर मैं रबड़ लगा रही हूँ, चाहे तो आप इसमें किसी रस्सी वगैरह से बांध भी सकते हो, डोरी से बांध सकते हो। तो दोनों को इस तरह से ही करके ना आपने धूप में रखना है, 2 से 3 धूप दिखानी है बस, कि मतलब सुबह रखा धूप आई तो शाम को इसको उठाकर अंदर रख लिया। और एक दिन में एक बार आपने इसको हिलाना भी है, चाहे तो स्पैचुला वगैरह से हिला लेना, स्पैचुला जो लेना ना बिल्कुल सूखी लेना। अचार बनकर तैयार हो गया, अब आपने इसको 2 से 3 दिन की धूप लगवानी है। उसके बाद अचार जो है थोड़ा सा गल जाएगा और नीचे भी हो जाएगा डिब्बे में। फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल पकाकर। तो अचार आपका सालों साल चले इसके लिए आपने थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि आपने इसमें गीले हाथ नहीं लगाने हैं, स्पैचुला जो यूज़ करें वो भी गीली नहीं होनी चाहिए, और साथ में आप इसको उस दिन नहीं बनाना जिस दिन बारिश हो रही हो। अचार जब आप खा रहे हो और आपका थोड़ा सा अचार का पीस बच गया है तो आप उसे वापस से अचार में मिक्स नहीं करना। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अचार डालते हुए साथ के साथ भी आपको बताई हैं। इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका अचार जो है सालों साल भी ख़राब नहीं होगा। तो फिर आप अचार को घर पर बनाएं और इन्जॉय करें।
फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आम के अचार की ये रेसिपी? अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।